मंगलवार को गुड़ाना गांव के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के बच्चों ने ग्रामीणों को स्कूल के कंप्यूटर में अश्लील फिल्म होने की सूचना दी। इस सूचना पर पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोग स्कूल में एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने स्कूल की छुट्टी कर पूरे स्टाफ को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। मौके पर पहुंच डीएसपी लोहारू रमेश कुमार ने कंप्यूटर की जांच की और बाद में पुलिस समस्त स्टाफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर थाने लेकर आई थी। बाद में जांच के बाद पुलिस ने लैब सहायक राधेश्याम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। तुरंत कार्यवाही करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि गुड़ाना के ग्रामीणों की मांग पर पूरे स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। अब नया स्टाफ स्कूल लगाएगा और मामले की विभागीय जांच चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी ताकि असली दोषी सामने आए। आज अधिकारी आए थे जी हमारी पंचायत में, वो नया आश्वासन दिया था कि कल नया स्टाफ आ जाएगा और बच्चों को नियमित स्कूल में भेजो और इनको पुराना स्टाफ आ जाओ इनको कल दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा और ये डेपुटेशन पर भेजे गए हैं। 3 महीने के भीतर वितरण की पक्का ट्रांसफर हो जाएगा और जो चनानी है वो राधेश्याम उसको नाजायज फंसाया गया है, उसकी थोड़ राम सिंह हेडमास्टर पर मुकदमा केस होना चाहिए। उसके पास हमने चाबी ली थी और हमने असली हरकत उसके देखी थी, उसके बाद उसके चाबी बंद कर और राम सिंह को दे दिया था। हमने सरपंच बुलाया, मीडिया वाले बुलाए, पुलिस को दिया, सभी को उसके आगे बुलाया। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बुढ़ाना के कंप्यूटर लैब का मामला था, जो उसमें पता चला कि गाँव वाले ने उसने जो है तो गाँव वाले ने आगे दरख्वास्त पेश की, जिस पे जो है उस स्कूल के जो है वहाँ के यूपीएस वगैरह को कब्जे में लिया है और दोषी जो है जो कंप्यूटर इंचार्ज है राधेश्याम चंद्र भी पहुँचलाड़ी थाना पाटन को मुकदमा जो है गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नंबर 155/16/2013 अंडर सेक्शन 292 IPC।